गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा सेवन्थ में चैप्टर नंबर एट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ये आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है आपका, चाल का मात्रक क्या है। देखो बच्चे, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। हम इसे निकाल भी सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, चाल का माने मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्या है, एक वस्तु स्प्रिंग से लटकी हुई है, उसे नीचे खींचा जाता है तो छोड़ दिया जाता है, वस्तु द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों, अगर हम 10th और 11th और 12th की बात करें तो इसमें कई टाइप की क्या होती है, गति होती है। परंतु हमें क्या करना है, हमें क्या है, हमें 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें जो होगी वो कंपन गति होगी, इसके अलावा इसमें दोलन गति भी होती है भाई, आवर्ती गति भी होती है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्या है, सीधी सड़क पर गाड़ी के पहियों द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। तो आपको पता है जो हमारा पहिया होता है वो एक वर्त के रूप में होता है। कैसा होता है भाई, वर्त, सर्कल बोलते हैं इसे। तो उसमें जो जो वर्त टाइप के जो आपके मोशन होती है उनमें क्या होती है, वक्र रेखीय गति होती है। ठीक है बच्चों, चौथा क्या, यदि आप किसी गतिमान वश में बैठे हैं तो आप विराम अवस्था में हैं या गति अवस्था में हैं। तो ये क्या है, देखो बच्चों, अगर हम बस के सापेक्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम विराम अवस्था में हैं, लेकिन जब हमारी बस रुकती है, रुकने के बाद हम क्या होते हैं, आगे के तरफ चले जाते हैं, तो उस समय ये कह सकते हैं कि हम गति अवस्था में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। थैंक यू।